लोग बाबू पिछले क्लास में जो जेनेटिक्स था उसका चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, तो बहुत टॉपिक देख लिए, बहुत टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन फिर बच्चा लोग फोन से बताया कि सर जो सेक्स डिटरमिनेशन है लिंग निर्धारण भी एक बार समझा दीजिए। तो आप लोग लिंग निर्धारण पढ़े हुएगा कि लिंग निर्धारण बाबू क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन इन लिविंग बींग्स। तो आप लोगों को मिला होगा, आप बुक देखिएगा कि अलग अलग बायोलॉजिस्ट अलग अलग ढंग से बताए थे क्या होता है कैसे होता है, लेकिन बुक में पढ़ेगा तो सबसे पहले हैंकिंग, HENKING, हैंकिंग, ठीक है, हैंकिंग महोदय जो है ये इन्होंने जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनके जब उस सेक्स डिटरमिनेशन के संदर्भ में रिसर्च कर उन्होंने पाया कि उनके न्यूक्लियस में एक खास तरह का क्रोमोसोम और वैसा क्रोमोसोम कुछ इंसेक्ट के कि गैमेट्स में कुछ गैमेट्स में पाया जाता है कुछ में नहीं पाया जाता है। बाद से उस खास क्रोमोसोम को एक्स काय नाम दिया गया था, एक्स काय या एक्स क्रोमोसोम या एक्स बॉडी, एक्स काय नाम दिया गया था या एक्स क्रोमोसोम बाद से देखा गया। तो देखा गया ऐसा एक्स क्रोमोसोम इनके जो इंसेक्ट गैमेट बना रहे थे उसमें कुछ गैमेट में था पेयर में और कुछ में पेयर में नहीं था। और इस तरह से कुछ इंसेक्ट में जो सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका देखा गया वो पाया गया कि XX प्लस XO टाइप का था, मतलब इसको ऐसे लिख दें AA प्लस XX ये हो गया फीमेल का, इसमें इंसेक्ट कौन इंसेक्ट खासकर तो ग्रास हॉफर टिड्डा वगैरह में इंसेक्ट में AA प्लस XX। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो X गुणसूत्र है वो हो जाएगा सिस्टम में, ये तो आपको पता होगा पहले से कि इसे ऑटोजोम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे ऑटोजोम, जिससे बॉडी पूरा निर्धारित होता है। और ये जो डबल एक्स है जो एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है ये होमोजाइगस स्टेट में, किस स्टेट में, होमोजाइगस। तो ये फीमेल में ऐसा देखने को और मेल में AA प्लस XO टाइप का पाया गया, AA प्लस XO टाइप का। तो ऐसा सेक्स डिटरमिनेशन कहां मिला, ग्रास हॉपर में कुछ इंसेक्ट में, लेकिन एक्स क्रोमोसोम होता है जो सेक्स के डिटरमिनेशन में भाग लेता है, सबसे पहले हैंकिंग जो है अपना वर्क कर रहे थे उन्होंने पाया था। तो ये हो गया AA प्लस XX फीमेल में और AA प्लस XO ये हो गया मेल। अब तो ये ऑटोजोम है जो बॉडी के कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। अब मेन आपका रह गया जो सेक्स क्रोमोसोम है क्या, मेल फीमेल का XX और इसका XO, यानी कि जो मेल होते हैं उसमें सिर्फ एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल होता है उसमें दो होता है। अब फिर इनसे जो गैमेट बनेगा तो क्या होगा, यहां भी गैमेट, यहां गैमेट कितने तरह का बनेगा, एक तरह का बनेगा ए प्लस एक्स, सिर्फ गैमेट कितने तरह का बनेगा ए प्लस एक्स, और यहां गैमेट हो जाएगा दो तरह का ए प्लस एक्स और ए प्लस ओ। तो यहां गैमेट कितने तरह का बनेगा, एक ही तरह का बनेगा ए प्लस एक्स वाला गैमेट बनेगा, यहां गैमेट बनेगा सिर्फ ए प्लस एक्स, और यहां गैमेट दो तरह का हो गया, एक वो ए प्लस एक्स, एक ऑटोजोम प्लस एक्स गुणसूत्र और दूसरा होगा ए आप बिना एक्स क्रोमोसोम का। अब फिर इसका 50% चांस है इसके साथ फ्यूज करें तो फीमेल बन जाएगा, इस फीमेल के इस गैमेट का ये मेल के इस गैमेट से फ्यूज होने का कितना परसेंट चांस है, 50%, तो क्या बन जाएगा फीमेल, और इसका फिर उसी तरह से 50% चांस है किससे फ्यूज होने का, इस गैमेट से, ये मेल का गैमेट, तो क्या हो जाएगा फिर मेल बन जाएगा। तो ये है इसमें ग्रास हॉपर वगैरह में। आगे फिर रिसर्च करके देखा गया कि ड्रोसोफिला, जिसे कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जो फ्रूट फ्लाई बाबू होता है, फ्रूट फ्लाई फल मक्खी कहते हैं, तो फल मक्खी में आप देखिएगा कि फल मक्खी बुक में आप लोग फिगर देखिएगा तो फल मक्खी जो होते हैं ड्रोसोफिला और ह्यूमन बींग्स दोनों में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसका बनावट एक तरह का होता है।
अब जैसे मानों में हम इंडिकेट करते हैं ए प्लस एक्स एक्स किसका होगा, फीमेल का, आप पहले से जानते हो, और उसी तरह से ए प्लस एक्स वाई इसमें होता है, ये होता है मेल, ए ह्यूमन बींग्स। तो कह रहा है कि ये मानव के फीमेल का ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ये क्या है ऑटोजोम, इससे बॉडी का करेक्टर निर्धारित होगा, और यही है सेक्स, ये होमोजाइगस स्टेट में हो गया, और मेल में फीमेल में हो गया होमोजाइगस और मेल में हो गया हेटरोजाइगस। तो इससे तो बहुत सारे नहीं, ये तो ऑटोजोम है, सेक्स क्रोमोसोम यही है, यही भाग लेगा। तो यहां फिर उसी तरह से यहां भी देखिएगा कि गैमेट कितने तरह का बनेगा फीमेल में, एक तरह का गैमेट ए प्लस एक्स, और वहां गैमेट कितने तरह का बन जाएगा, दो तरह का गैमेट बनेगा, क्या क्या, एक ए प्लस एक्स और एक ए प्लस वाई, ठीक है। तो इस फीमेल के इस गैमेट का मेल के इस दोनों गैमेट से फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कितना परसेंट होता है, 50%, 50% चांस है कि फीमेल का एक गैमेट मेल के साथ फ्यूज करे, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, इसका बनेगा फीमेल का, और 50% चांस है ये मेल के इस गैमेट के साथ फ्यूज करे, तो प्रोबेबिलिटी ये इसके साथ फ्यूज करेगा या इसके साथ फ्यूज करेगा, इसके साथ फ्यूज करेगा तो फीमेल, और इसके साथ फ्यूज करेगा तो फिर मेल, यानी कि फीमेल के इस गैमेट का, चूंकि फीमेल सिर्फ एक तरह का गैमेट बना रहा है, मेल के जो दो गैमेट बने उसमें से किसी एक साथ फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितना परसेंट है, 50%। यानी कि हम देख रहे हैं कि मेल से ही दो तरह का गैमेट बन रहा है, फीमेल से सिर्फ एक तरह का गैमेट बन रहा है, और आने वाला प्रोजेनी अगर ये किसी कपल का है, हस्बैंड वाइफ का है, तो आने वाला प्रोजेनी मेल या फीमेल होगा, आने वाला प्रोजेनी, जो आने वाला प्रोजेनी है उसका जो जायगोट मेल या फीमेल डेवलप होगा वो डिपेंड करता है किस पर, मेल पर डिपेंड, क्योंकि मेल के पास ही मेलनेस वाला क्रोमोसोम होता है, वाई फीमेल के पास तो होता नहीं है। तो ठीक ऐसे ही सेक्स डिटरमिनेशन फल मक्खी आई मीन ड्रोसोफिला में और ह्यूमन बींग्स में होता है, यानी कि हर बार प्रेगनेंसी स्टेज में फीमेल के साथ मेल या फीमेल जाइगोट डेवलप होने का कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा, 50%, क्योंकि फीमेल एक ही तरह का गैमेट बनाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होमोजाइगस स्टेट में है, एक्स एक्स, तो इससे जो गैमेट सिर्फ एक तरह का बनेगा, एक प्लस एक्स, बट मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हेटरोजाइगस स्टेट में है, एक्स वाई, तो यहां दो तरह का गैमेट बनेगा, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई, ठीक है। तो फीमेल के इस गैमेट का, यानी फीमेल के गैमेट का मेल गैमेट, मेल जो दो तरह गैमेट बना रहा है उसमें से किसी एक गैमेट से फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी 50% है। अब फीमेल का ए प्लस एक्स मेल के ए प्लस एक्स से फ्यूज हुआ तो फिर फीमेल बन जाएगी, अब फीमेल का ए प्लस एक्स मेल के ए प्लस वाई से बना तो फिर क्या बन जाएगा, मेल। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन ड्रोसोफिला में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। और एक और खास बात, यहां दो तरह का गैमेट कौन बनाया, मेल, यानी कि आने वाला प्रोजेनी मेल होगा या फीमेल होगा किस पर डिपेंड किया, मेल पर। तो इस तरह का जो घटना होता है इसे कहते हैं मेल हेटरोगैमिटी, क्या कहा जाता है बाबू, मेल हेटरोगैमिटी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, नर विषम युग्मकता। ये इसका एग्जांपल हो गया, ये मेल हेटरोगैमिटी इसे कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेल हेटरोगैमिटी या नर विषम युग्मकता। तो मेल हेटरोगैमिटी या नर विषम युग्मकता का एग्जांपल क्या हो गया, ड्रोसोफिला और ह्यूमन बींग्स। बात समझ में आ रहा है, थोड़ा आपको जो जरूरत वही बता रहे हैं, फिर आपको पढ़िएगा कंसेप्ट हो जाएगा। ड्रोसोफिला फल मक्खी और मानव जो है वो नर विषम युग्मकता शो करते हैं, मीन्स नर के द्वारा विषम मतलब अलग टाइप का, युग्मकता मतलब युग्मक, नर के द्वारा दो तरह का गैमेट्स बनाया जाता है, और नर के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है कि आने वाला जो फ्यूचर में जो जायगोट बनेगा वो मेल होगा कि फीमेल, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा कि ठीक बाबू इसके उल्टा होता है, इसमें ठीक इसके उल्टा पाया जाता है बर्ड में, बर्ड मतलब पक्षी, मतलब
फल मक्खी और मानव के ठीक उल्टा पाया जाता है पक्षियों में। पक्षी में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि पक्षी में जो मेल होता है उसका ये हो गया क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, किसका, ये मेल का, ये हो गया मेल, ये किसका है, ये मेल का, ए प्लस जेड जेड मींस ये तो ऑटोजोम है, इसे बड़ी क्रोमोसोम करते हैं, इसे बड़ी डिटरमाइन होता है और ये है सेक्स क्रोमोसोम। तो आप देख रहे हैं कि बर्ड में पक्षी में जो सेक्स क्रोमोसोम है होमोजाइगस स्टेट में, जेड जेड दोनों एक जैसा है होमोजाइगस, बट बर्ड में जो फीमेल होती है उसका ये है क्रोमोसोम। तो ये तो ऑटोजोम है, कोई मतलब नहीं है सेक्स से, मतलब इससे ये फीमेल है। तो इसके ठीक उल्टा आई मीन हर मक्खी और मानव के ठीक उल्टा होता है पक्षी में, कि यहां फीमेल जो है, फीमेल के पास जो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हेटरोजाइगस स्टेट में, मींस कि यहां फीमेल दो तरह के गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पक्षी में कौन किसके हेल्प से दो तरह गैमेट बनेगा, फीमेल के द्वारा, और फल मक्खी में मानव में किसके हेल्प से बन रहा था, मेल के द्वारा। यहां मेल एक ही तरह गैमेट बना पाएगा ए प्लस जेड, ठीक है, जबकि फीमेल दो तरह का गैमेट बनाएगी ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू, ये दूसरा गैमेट होगा। अब उसी तरह से मेल का यह गैमेट फीमेल के किससे फ्यूज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है आने वाला प्रोजेन कैसा होगा। अगर मेल का यह गैमेट पक्षी में अगर मेल का यह गैमेट फीमेल के इससे फ्यूज हुआ तो फिर क्या बन जाएगा, मेल क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेल। और अगर मेल का ये गैमेट फीमेल के इस गैमेट से फ्यूज होगा तो क्या बन जाएगा, फिर फीमेल, क्या बन जाएगा, फिर फीमेल। यानी कि हम देख रहे हैं कि बर्ड में मानव और फल मक्खी के ठीक उल्टा फीमेल के द्वारा दो तरह का गैमेट बनता है और आने वाले प्रोजेनी में जाइगोट डेवलप जो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा वो किस पर डिपेंड करता है, फीमेल पर। इसलिए ये बर्ड किसका एग्जाम्पल हो जाता है, बर्ड किसकी एग्जाम्पल हो जाती है, बर्ड हो जाती है एग्जाम्पल फीमेल हेट्रोगैमिटी, इसे कहते हैं मादा विषम युग्मकता। ये आपके बाबू बोर्ड एग्जाम में दो नंबर में पूछा जाता है, अंतर में नर विषम युग्मकता और मादा विषम युग्मकता में अंतर स्पष्ट, इसे कहते हैं मादा विषम युग्मकता। मादा विषम युग्मकता का उदाहरण क्या हो गया, बर्ड, और नर विषम युग्मकता का उदाहरण फल मक्खी और मानव। दोनों में क्या अंतर है कि मादा विषम युग्मकता में मादा के द्वारा दो तरह के गैमेट बनाए जाते हैं, आने वाला प्रोजेनी नर होगा कि मादा, और डिपेंड करता है मादा पर, ठीक उल्टा नर। तो इस तरह से हम लोग देखे सेक्स डिटरमिनेशन कि ग्रासहॉपर टीडा में कैसे होता है, मानव में कैसे होता है और पक्षी में कैसे होता है। आपके बुक में लिखा भी होगा कि हमारे आज भी पढ़े लिखे परिवार में, अच्छे अच्छे परिवार में अगर कोई महिला है सिर्फ उसके बच्चे अगर फीमेल हो रहे हैं तो उसके लिए दोषी किसको, महिला को बताया जाता है कि महिला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके द्वारा सिर्फ बेटियां जन्म ले देंगे, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है बेटा बेटी के लिए, 100% मेल, यानी कि मेल पेरेंट बेटा या बेटी होने के लिए जिम्मेवार है। जबकि आज भी अच्छे पढ़े लिखे परिवार में ऐसा लोग कहते हैं कि फीमेल को दोषी मान लिया जाता है। तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये आपका कर्तव्य हुआ कि अगर आपके सामने ऐसा कोई समस्या आए तो आप अपना किताब लेकर के दिखाएं और इस बात का खंडन करें, पूरा विरोध करें कि फीमेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमारे किताब में लिखा हुआ है, और विरोध करें। और अगर आपके सामने किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है इस बात के लिए कि क्यों उसको खाली बेटी हो रहा है, सिर्फ बेटी हो रहा है, आप वहां मुख दर्शक बने रहते हैं तो आपका बायोलॉजी पढ़ना बेकार है। अब बाबू नया सिलेबस में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से बता दिया गया है कि मधुमक्खियों में कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता है,
हम लोग सिलेबस में पहले जब हम लोग पढ़े थे तो नहीं था, नया इंक्लूड हो गया है, क्योंकि मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कुछ विशेष प्रकार का, पर हम जानेंगे कि मधुमक्खी में, तो आपो बाबू देखिएगा, सबसे पहले हम लोग, अगर आप लोग बहुत लोग मधुमक्खी के छाता में अगर ढेला मारे होंगे तो अंदाज होगा, नहीं है तो कभी आप जाइए और मधुमक्खी की छाता का आवाज कीजिए, तो वहाँ देखिएगा मधुमक्खी के छाता का जब आवाज कीजिएगा तो उसमें जो मक्खियाँ मधुमक्खियाँ होती हैं वो इनका ये ऑर्डर होता है। अगर ये मधुमक्खी का छाता है सपोज, तो इसमें सबसे अंदर में क्वीन मधुमक्खी रहती है, जिसे रानी मधुमक्खी कहा जाता है, क्वीन मतलब रानी। और ध्यान देना है कि जो क्वीन है, जो रानी मधुमक्खी है, वो फर्टाइल होती है। क्या होती है? क्वीन हो गई फीमेल, ऐसे भी रानी माता ही होगी, नर तो होगा नहीं, तो रानी मधुमक्खी फीमेल हो गई और ये होती है फर्टाइल। फर्टाइल बने दो वर्ड होता है बायोलॉजी में, फर्टाइल और स्टेराइल। फर्टाइल मतलब हो गया वैसे लिविंग बींग्स जो गैमिट्स बना सकते, स्टेराइल हो गया जो गैमिट नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्वीन हो गई फीमेल, फीमेल हो गई फर्टाइल, और ये डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मतलब इसमें क्रोमोसोम दो सेट में रहते हैं। इसके पास टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 32। 32 का मतलब क्या हुआ? 32 बराबर 12 मतलब 2 × 16, ठीक है। तो क्वीन फर्टाइल होती है, बी हाइव में मधुमक्खी के छाता में सबसे अंदर होती है, ये फर्टाइल होती है और ये डिप्लॉयड होती है, ठीक है। दूसरा वर्कर, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रमिक मधुमक्खी, ये भी बाबू फीमेल है, ध्यान देना है, और ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन खास बात क्या है, ये स्टेराइल है मतलब बांझ है, ये गैमिट बनाने में सक्षम नहीं होती। ये क्या है? स्टेराइल। स्टेराइल मतलब बांझ। कौन है? डब्लू, डब्लू मतलब वर्कर, वर्कर मतलब श्रमिक। अरे क्या है? डिप्लॉयड है। यहां भी कितना क्रोमोसोम होगा? 32, लेकिन स्टेराइल है, इसे कोई गैमिट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है सबसे बाहर की तरफ जो मधुमक्खी में छाता में जो पाया जाता है, उसे कहते हैं ड्रोन मधुमक्खी। क्या कहते हैं इसको? ड्रोन। ये मेल है, ये नर मधुमक्खी है, पहला बार मेल है और फर्टाइल है। मेल है, नर मधुमक्खी है, छाता में सबसे बाहर की पाया जाएगा, मेल है, फर्टाइल है, फर्टाइल मतलब इसके द्वारा गैमेट बनेगा, और खास बात क्या है, ये हैप्लॉयड है। क्या है? हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड मतलब इसके पास कितने गुणसूत्र होंगे? इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस में सिर्फ 16, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्वीन और वर्कर ये डिप्लॉयड है, तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं। ध्यान देना है कि आपके नीट परीक्षा में, अन्य किसी भी रिलेटेड टू बायोलॉजी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि जो ड्रोन मधुमक्खी होता है ये बिना निषेचन के बन जाता है, कैसे? तो कह रहा है कि अनफर्टिलाइज्ड एग ही डायरेक्ट एक मक्खी बन जाता है, मधुमक्खी बन जाता है और वो मेल हो जाता है। मतलब फिर से अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब अनिषेचित अंड कोशिका ही विकसित होकर के ड्रोन बना देता है, जो मेल होता है और हैप्लॉयड होता है। क्या बोल रहा है? इसमें जो तीन तरह से जो मधुमक्खी हुए, वो इसमें जो ड्रोन मधुमक्खी है, ड्रोन वह मेल है, फर्टाइल है, बट वो पार्थिनोजेनेटिकली बना हुआ है, पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से बना हुआ है। यानी कि ड्रोन का कैसे निर्माण होता है? तो अनफर्टिलाइज्ड एग और निषेचित अंडकोशिका विकसित होकर के ड्रोन बन जाता है, जो मेल होता है और फर्टाइल। बात समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अब देखिए कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हम थोड़ा समझाएं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यहां लिखे हैं इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो हैप्लोडिप्लोइटिक टाइप का होता है, हैप्लोडिप्लोइटिक टाइप का। कैसे होता है ध्यान दीजिए, फीमेल, फीमेल मतलब क्वीन, फीमेल मतलब क्वीन, जो क्वीन मधुमक्खी है वो फीमेल है, इसके पास कितना क्रोमोसोम है? 32। ये कैसे गैमेट बनाएगी? म्यूसिस से, लिगेंड के हेल्प से। तो गैमेट जो बनाएगी फीमेल म्यूसिस से, उस गैमेट में कितने क्रोमोसोम आएंगे? 16। तो इसी में से कुछ गैमेट, जो रानी मधुमक्खी ने जो कुछ गैमेट बनाया, इसी में से कुछ अप्लाइड होगा ना गैमेट,
ये पार्थिनोजिनेसिस 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 हिंदी अंग्रेजी दोनों में चल सकता है। अब शायद इसका हिंदी होता है अनिषेक जनन। ये इस प्रोसेस के द्वारा ये डायरेक्ट विकसित हो जाएंगे किसमें, मेल में यानी कि ड्रोन में, तो क्या होगा हैप्लॉयड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ड्रोन कैसे कैंडिडेट बनाएगा। तो ड्रोन तो ऑलरेडी बाबू हैप्लॉयड है। ड्रोन क्या है, ऑलरेडी हैप्लॉयड है, उसके पास 16 क्रोमोसोम है। तो ये गैमेट अपना मियोसिस सेल डिवीजन से नहीं बनाएगा, ये माइटोसिस सेल डिवीजन से बनाएगा। किससे, माइटोसिस। काहे माइटोसिस, मियोसिस से क्यों ना, काहे का अगर मियोसिस से बनाएगा तो इसका तो गैमेट कितना हो जाएंगे, हैप्लॉयड तो 16 हो जाएगा। ये तो हैप्लॉयड ऑलरेडी है, ड्रोन ऑलरेडी हैप्लॉयड। अब कैसे मियोसिस से गैमेट बना सकता है, ये जब गैमेट बनाएगा तो माइटोसिस। तो ये गैमेट बनाया माइटोसिस, इसका गैमेट बनेगा क्वीन एग का या फीमेल का मियोसिस से, इसका गैमेट बनेगा माइटोसिस का है, तो ये ऑलरेडी हैप्लॉयड। अगर मान ले जाए मियोसिस से बनाया तो यहां कितना हो जाएगा 8, फिर 8 और 16 में कितना हो जाएगा, जब रानी मधुमक्खी बनेगी तो 24 होता ही नहीं है, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मेल बनाएगा गैमेट माइटोसिस सेल डिवीजन से। अब इसी का एक गैमेट ध्यान दीजिए और यहां का एक फीमेल गैमेट, जैसे ये गैमेट मान लो यहां का ये गैमेट और यहां का फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज हुआ, फ्यूज होकर क्या बन गया, ठीक है। ऐसे सेक्रीटेशन होता है हनीमून, इसे कहते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक टाइप का सेक्रीटेशन। और एक और खास बात, यहां खास बात क्या है कि देखिए जो मेल है मतलब जो ड्रोन है इसका फादर नहीं, ये बिना फादर का बच्चा है, पहला बात ध्यान दीजिएगा। इसमें खास बात क्या है, ये जो मेल है ड्रोन है इसका फादर नहीं है, और इसका जब फादर नहीं है तो इसका कोई बेटा भी नहीं होगा। मतलब ड्रोन या मेल हैव नो फादर, हैव नो फादर, इसको फादर नहीं होगा। एज वेल एज हैव नो सन्स, इसको कोई बेटा भी नहीं होगा। मेल या ड्रोन को, चूंकि मेल या ड्रोन का कोई फादर नहीं है, काहे फादर नहीं है, चूंकि ये अनिसेचिक, ये डायरेक्ट फीमेल गैमेट से डेवलप कर गया, एक सेल से डायरेक्ट डेवलप कर गया, इसे फादर नहीं है तो इसको बेटा भी नहीं होगा। काहे नहीं बेटा होगा, आप लोग बताइएगा बाद से फोन करके, हम नहीं बता रहे हैं। और दूसरा बात, इसका फादर नहीं है, इसको बेटा भी नहीं होगा, लेकिन इसके ग्रैंड सन, पोता पोती नाती जो होते हैं ना, ग्रैंड सन इसको होंगे, इसको क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका इसके फादर नहीं होंगे, इसको बेटा नहीं होगा, लेकिन इसके ग्रैंड सन होंगे, ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर इसके होंगे, क्या होंगे, इसके इसके ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब नाना जी या दादा जी, ग्रैंड फादर भी होंगे इसके और इसके ग्रैंड सन भी होंगे, काय होंगे आप लोग सोच के बताएं, बात समझ में आया। ये मेल या जो ड्रोन है इसके पिताजी नहीं है, इसको बेटा भी नहीं होगा, लेकिन इसके दादाजी या नानाजी हैं, फिर इसको पोता या पोती हो सकती है, काय होगा आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये ऐसा होता है हनीबी में, ये खास बात है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग किताब जरूर से बाबू पढ़ने का प्रयास कीजिए, किताब पढ़िएगा, दिक्कत होगा फिर हम बताएंगे। तो इस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन हमारा टॉपिक खत्म हो गया। पिछले क्लास में जब हम बाबू पढ़ाए थे तो किसी बच्चे का आया था कमेंट कि सर थोड़ा सा जो माँ जो मेंडल साहब का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जो वंशानुगति का नियम है, उसमें जो दूसरा नियम है जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, बीज संयोजन का नियम, जो मेंडल साहब के वंशानुगति का जो दूसरा सिद्धांत था जिसे बीज संयोजन का नियम कहा गया था, उसको किसी बच्चा ने लिखा था, इस सब फिर से समझाइए, तो जो बच्चा लिखा था वो देखो, फिर से हम समझा रहे हैं। मेंडल साहब का जो दूसरा, पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम क्या है, बीज संयोजन का नियम। इसे गैमिक, इसे युग्मक शुद्धता का भी नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे बीज संयोजन का नियम अथवा युग्मक शुद्धता का नियम। तो ये क्यों कहते हैं या ये क्या है, तो बाबू हम बताए होंगे कि देखिए कह रहा है ये क्या है कि कोई भी हाइब्रिड
जो दो अलग अलग पेरेंट्स से प्राप्त हुआ हो, हाइब्रिड जो दो अलग अलग पेरेंट्स से प्राप्त हुआ, जैसे ये किससे प्राप्त हुआ है, इसमें इसके पिताजी क्या थे, इसमें मेल पेरेंट कैसा था, लंबा, मेल पेरेंट कैसा था, लंबा, अब फीमेल पेरेंट कैसा था इसमें, बावना, तो ये दोनों के फ्यूजन से प्राप्त हुआ है ये हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब संकर पौधा, F1 इसे कहते हैं। तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जो F1 हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड में दो अलील हैं। कैसे अलील हैं, ये कैपिटल टी कैसा अलील है, लंबा वाला अलील है, कैपिटल टी कैसा अलील है, लंबा वाला, स्मॉल टी कैसा अलील है, बावना वाला। तो कह रहा है इसमें दो अलग अलग अलील हैं, मतलब एक ही लक्षण की अलग अलग, जैसे एक लंबा वाला अलील और एक बावना वाला अलील, तो हाइब्रिड में ये दोनों अलील साथ साथ हैं और साथ साथ रहते हैं। हाइब्रिड में यू कैन से कंट्रास्टिंग अलील इसको बोलेंगे, कैसा अलील बाबू, कंट्रास्टिंग, या दो विपरीत अलील, एक लंबा वाला अलील, एक बावना वाला अलील, तो हाइब्रिड में ये दोनों अलील साथ साथ हैं, लेकिन इनमें आगे आगे के जनरेशन में अलग हो जाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन इनमें आगे की जनरेशन में क्या हो जाती है, अलग होने की प्रवृत्ति होती है, किस स्टेट में हो जाएंगे, लेकिन इनमें आगे अलग हो जाने की प्रवृत्ति होती है और ये होमोजाइगस स्टेट में अलग हो जाते हैं। अब देखिएगा कि F2 मिला होगा, F2 में ये ऐसा बन जाता है, F2 में ये स्मॉल टी अलग हो जाता है, मींस हाइब्रिड में दो कंट्रास्टिंग एलील, दो विपरीत लक्षण वाले अलील साथ साथ रहते हैं, लेकिन उन दोनों अलीलों में अलग होने की प्रवृत्ति होती है, इसे विसंयोजन का नियम कहते हैं, और ये अलग होंगे इस अवस्था। काहे इसे युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं, तो कह रहा है ये हाइब्रिड अशुद्ध है, इसे कहते हैं इम्प्योर या अशुद्ध है, तो हाइब्रिड अशुद्ध है, इम्प्योर है, लेकिन जब इसे बाबू गैमेट बनेगा इस कैपिटल टी और स्मॉल टी से, तो इस पेरेंट से यही नो जाइगोट बाद से पेरेंट बन जाएगा, तो इसे जो गैमेट बनेगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो भले ही अशुद्ध है, हाइब्रिड हमेशा इम्प्योर या शुद्ध है, लेकिन इसे जो गैमेट बनेगा वो हमेशा शुद्ध होता है, गैमेट हमेशा शुद्ध होगा, तो इसे युग्मक शुद्धता का नियम। अब इसको हम बताए होंगे कि उस दिन फिगर में कि टीटी जो F1 में बना कितना परसेंट बना, 100%, F2 में कितना परसेंट बनेगा, आप लोग देखिएगा फिगर, F2 में कितना परसेंट बना है टीटी, ये बना है 50% F2 में, अब 25% बना है दूसरा चीज, फिर F3 में ये कितना परसेंट बन जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो गया F2, आई हो गया F3, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12.5, यानी कि हाइब्रिड 100% है ऐसा प्लांट F1 में, F2 में कितना परसेंट रह जाएगा, 50%, चूंकि क्या आया था उसका जीनोटाइप 1:1, एक अनुपात 2 अनुपात क्या था ना जीनोटाइप F2 में, फिर F3 में कितना परसेंट हो जाएगा, 25, तो यहाँ जो 100 था F3 जाते थे कितना हो गया, 25%, यानी कि सेपरेट होता है, भले साथ साथ है लेकिन अलग होकर, इसको कहते हैं विसंयोजन का नियम। कोई दिक्कत फिर आप पूछिएगा, तो इसको मिटा दिए हैं, चूंकि पहला वीडियो समझाए थे, फिर से उसको समझना आप समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर का पढ़ रहे थे, अनुवांशिक विकार, तो अनुवांशिक विकार बताए थे दो तरह से, एक को कहते हैं मेंडेलियन विकार और दूसरे को कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो था, मतलब जो मेंडल साहब के वंशानुगति का नियम फॉलो करे, उसमें पहला था हम लोग पढ़े थे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होते हैं या सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट कहते हैं इसे, और बाद से हम लोग पढ़ा था क्या पढ़े थे हम लोग, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया और क्या थैलेसीमिया, ये तीनों क्या थे, ये ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट थे। अच्छा एक और बात, कलर ब्लाइंडनेस में पिछले वीडियो में अगर आप लोग देखे हुएगा तो हम जो कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज था ये बताया थे, इसके बारे में क्या बताया थे कि ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होता है, एक्स लिंक रिसेसिव मतलब एक्स सहलग अप्रभावी लक्षण, एक्स सहलग अप्रभावी लक्षण रिसेसिव ट्रेट होता है। तो इसमें हम बताए होंगे
कि ये एक ऐसा रोग है जिसमें कि जब रोगी हो जाता है उसका एक्स गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है, जिसके चलते वो कुछ इसको हिंदी में कहते हैं वारांधता, वर्ण से अंधा हो जाना, मतलब कलर ब्लाइंड, कुछ कलर के प्रति ये पहचान नहीं पाता है। उसने हम बताया मुझे उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा था हमको कि ब्लू ग्रीन ना कि रेड ग्रीन, तो आप ध्यान से दीजिएगा उसको सुधार दीजिएगा। हम भी उसमें कन्फ्यूज हो गए थे कि ब्लू होगा कि ब्लू ग्रीन के बीच में आके रेड ग्रीन के बीच में। तो याद रखिएगा जो कलर ब्लाइंड से जो संक्रमित व्यक्ति होंगे इन आनुवंशिक बीमारी से, तो वो रेड और ग्रीन में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। इसमें किसमें रेड और ग्रीन में वो अंतर करने में असर नहीं कर पाते। लाल और हरा क्या बता रहा है, लाल और हरा, अगर उस दिन बताया हूँ गलती से, अगर नीला उसको गलत हो गया है, गलत है, कंफ्यूजन था हमको, रेड भी चर्चा कर रहे थे हम, तो एक्चुअल में क्या होगा सिर्फ ऐसे संक्रमित लोग लाल और हरा में, रेड और ग्रीन के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं जाता। इसको आप सुधार लीजिएगा जो हमको उस दिन कन्फ्यूज जाता है, ठीक है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में ये आसान है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर मतलब क्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं मानव का हम बात करें, मानव का ही बात कर रहे हैं, तो मानव में टोटल कितने होते हैं गुणसूत्र, मानव के कोशिका में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा, कितना होता है 46, कितना होता है 46। तो 46 का मतलब क्या हुआ कि 44 होते हैं ऑटोजोम, इसे बड़ी निर्धारित होता है, और वन पेयर होते हैं 44 मतलब क्या 22 पेयर, तो 22 पेयर क्या मतलब एक ही गुणसूत्र दो से, ठीक है। तो 44 यानी 22 पेयर होते हैं ऑटोजोम, इसे बड़ी क्रोमोसोम कहते हैं, इसे बड़ी निर्धारित होता है, और वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तो जो मेल होता है, पहले से आप लोग जानते हैं कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है हेटेरोजाइगस स्टेट में होता है, यानी कि दो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, दो अलग अलग तरह का होता है, एक एक्स और एक वाई। तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम हेटेरोजाइगस स्टेट में है, हेटेरोजाइगस को हिंदी में क्या कहेंगे विषम युग्मजी, और फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है क्या है सम युग्मजी है, होमोजाइगस है। तो मेल हो या फीमेल कितना टोटल क्रोमोसोम होता है 46 का मतलब क्या हुआ कि फीमेल में 23 क्रोमोसोम होगा लेकिन दो सेट में होगा, और मेल में 22 क्रोमोसोम होगा दो सेट में, और सेक्स क्रोमोसोम दो और होंगे लेकिन दोनों अलग अलग है। कभी कभी क्या होता है कि गलती से कुछ आनुवांशिक असामान्यता के चलते, एबनॉर्मलिटी के चलते, उसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, कि कोई गुणसूत्र जैसे गुणसूत्र संख्या 21 हो, 5 हो, 12 हो, 13 हो, 11 हो, मतलब कोई गुणसूत्र जो दो सेट में रहना चाहिए, दो कॉपी में रहना चाहिए, वो गलती से तीन में हो जाता है। प्लांट में देखिएगा कि प्लांट में क्या होता है कि गुणसूत्र का, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये क्या होता है कि किसी कारण से क्रोमोसोम जो दो कॉपी में होना चाहिए, दो सेट में होना चाहिए, तीन सेट में हो जाता है कभी, ठीक है। तो नो डाउट कि जब तीन सेट में होगा तो क्रोमोसोम जो 46 था वो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। कभी कभी होना चाहिए हर क्रोमोसोम दो सेट में, एक क्रोमोसोम एक ही सेट में रह पाता है, तो क्या हो जाएगा एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, ठीक है। प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं, प्लांट में कभी क्या होता है कि पूरा क्रोमोसोम का सेट डबल हो जाता है, उसे पॉलीप्लाइडी कहते हैं, प्लांट में होता है एनिमल में नहीं। क्या होगा कि आप लोग पढ़ेगा कि जो कोशिका विभाजन होता है तो उसमें पहले केंद्र का विभाजन होता है ना, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो केंद्र का विभाजन हुआ, पूरा क्रोमोसोम सेट डबल हुआ, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं, ऐसा प्लांट में होता है जिसमें पूरा क्रोमोसोम दो सेट में, जैसे अगर सपोज कि अब प्लांट है उसमें अगर टोटल से 28 है तो 56 हो जाएगा, लेकिन प्लांट में होता है। तो हम लोग में जो केस होता है इसमें, जैसे हम लोग कहते हैं 2n+1, इसको कहा जाता है ट्राइजोमी, क्या कहा जाएगा ट्राइजोमी। 2n+1 का माने क्या होगा,
कि क्रोमोसोम होना चाहिए 46, 23 क्रोमोसोम चाहिए डबल शिफ्ट में, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाए ट्राइजोमी। 12n-1 इसे कहते हैं मोनोजोमी। इसे क्या कहते हैं? मोनोजोमी कहते हैं। ये ट्राइजोमी हो गया, ये हो गया मोनोजोमी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 46 होना चाहिए लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ गया है मोनोजोमी, होना चाहिए 46 ये कम हो गया। उसी तरह से 2n+2 दो क्रोमोसोम, माने क्रोमोसोम डबल क्रोमोसोम होना चाहिए दो सेट में, तो चार सेट में हो गया, जिसे बोलते हैं टेट्राजोमी, टेट्रा। फिर 2n-2 ये पूरा क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम जो दो सेट में वही कम हो गया, इसे कहते हैं नलीजोमी। ऐसा बहुत सारा कंडीशन हो जाता है इसमें, कभी क्रोमोसोम की एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, या दो क्रोमोसोम बढ़ जाता है, या दो क्रोमोसोम कम हो जाता है। आपके बुक में एग्जांपल ये लिखा होगा जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो इस ट्राइजोमी का उदाहरण होता है डाउन सिंड्रोम। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये कुछ डाउन नाम था वैज्ञानिक का, जो आनुवंशिक वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज किया था डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी का उदाहरण होता है, जिसमें 21 क्रोमोसोम, जो 21th क्रोमोसोम है, कौन क्रोमोसोम है 21th क्रोमोसोम जो है 21 21वां क्रोमोसोम, दो ही सेट में होना चाहिए लेकिन वो एक्स्ट्रा तीन सेट में हो जाता है। तो इस 21th क्रोमोसोम के ट्राइजोमी से होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें पड़ेगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो मानव में अगर ऐसा हो जाता है तो जो बालक होगा गोल सीम होगा, मंद बुद्धि का होगा, हाथ पर खांच होगा, जीभ पर खांच होगा, मुंह खुला रहेगा, आंशिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर होता है, ये हो जाता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के और भी सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, डाउन सिंड्रोम है बुक में पढ़िएगा, है बुक में एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्राइड्यूकेट सिंड्रोम है, जो क्रोमोसोम संख्या 5 ये हो जाने से हो जाता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्राइड्यूकेट सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम के सारे एग्जांपल किसके हैं? ट्राइजोमी के। मोनोजोमी के एग्जांपल आपके बुक में दिया होगा। ट्राइजोमी का एग्जांपल एक और आपके बुक में दिया होगा, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्राइजोमी का एग्जांपल दिया होगा आपके बुक में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिया है। किसका एग्जांपल? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइजोमी का। तो ध्यान रखिएगा, ट्राइजोमी हुआ तो गुणसूत्र संख्या कितना हो जाएगा? 47। हर हाल में ट्राइजोमी में गुणसूत्र संख्या कितना हो जाता है? ट्राइजोमी का मतलब है कि गुणसूत्र संख्या हो जाएगा 47। मोनोजोमी का मतलब है कि गुणसूत्र संख्या हो जाएगा 45। टेट्राजोमी का मतलब है कि गुणसूत्र संख्या हो जाएगा 48। किसमें? मानव में। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 44 मानव में। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? मेल इस रोग से ग्रसित होते हैं, मेल मेल में होता है। देखिए तो मेल का नॉर्मल क्रोमोसोमल कंपोजिशन क्या है? A+XY है ना, A+XY है, कोई दिक्कत? तो कभी कभी क्या होता है कि इसके जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको हम क्या देखते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम है, तो ना कि क्या होता है कि गलती से एक्स का दो सेट बन जाता है, एक्स का दो सेट हो जाता है। अब वैसा जो नर होगा ये किसमें होता है? नर में, मेल में। अब वैसा मेल होगा तो देखने में मेल लगेगा लेकिन उसमें आवाज हो जाएगा फीमेल जैसा, उसका मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा फीमेल जैसा, आवाज देखने में मेल लेकिन आवाज हो जाएगा फीमेल जैसा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा इसके जैसा फीमेल जैसा। और अगर मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए फीमेल जैसा तो इसको मेडिकल में खास टर्म कहते हैं गाइनोकोमेस्टिज या गाइनोकोमेस्टिया। क्या कहते हैं? बुक में लिखा होगा गाइनो को मैस्टिज्म या गाइनोकोमेस्टिया कंडीशन कहते हैं, गाइनो गाइनोकोमेस्टिज्म या गाइनोकोमेस्टिया। कब? जब मेल में मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर जाए। तो ये इसका लक्षण क्या होगा कि देखने में मेल बट आवाज फीमेल जैसा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा, टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और ये ऐसे में जनरली स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मतलब ये
इनका मेल गैमेट जो है फंक्शनल नहीं होता है, मेल गैमेट एक्टिव नहीं होगा ये, इनका मेल गैमेट शुक्राणु होगा वो सही नहीं होगा, ये स्टेराइल मतलब हिंदी में कहते हैं बांझ। तो क्लाइडफेल्टर सिंड्रोम है ये कंडीशन होता है, क्लाइडफेल्टर सिंड्रोम होगा तो मानव में कितना हो जाएगा गुणसूत्र 47, सिंपल सा काय होता है तो एक जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वो एक्स्ट्रा पड़ जाता है। मनोजनी का एग्जांपल आपको बुक में दिया होगा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये किसमें होता है, ये टर्नर सिंड्रोम होता है किसमें, फीमेल, किसमें होता है ये फीमेल में मनोजनी। तो टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल, इसमें क्या हो जाता है कि क्या होना चाहिए ए ए प्लस एक्स एक्स होना चाहिए ना, तो फीमेल में क्या हो जाता है ए ए प्लस एक्स एक्स ना होकर के ए ए प्लस एक्स वो हो जाता है, यानी कि फीमेल में जो एक्स सेक्स को जो दो सीट में रहना चाहिए दो सीट में ना रह करके एक सीट में बच जाता है, इसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब ऐसा फीमेल दिखने में तो फीमेल होगी लेकिन उसका बाद मेल जैसा होगा, उसमें मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होगा ही नहीं, उसमें जो ओवरी का डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा से नहीं होगा, एक नहीं बन पाएगा ठीक से, ऐसा फीमेल क्या होगी एस्टेराइल, मतलब इसमें अंडकोशिका ठीक से नहीं बन पाएगा, आवाज इसका मेल जैसा हो जाएगा, ये किसमें होगा फीमेल में, लेकिन इसके में मादा में होगा लेकिन आवाज उसका नर जैसा हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट उसका फीमेल जैसा नहीं होगा, और ये भी एस्टेराइल की बात। तो ये था आपके जो बुक में दिया था डाउन सिंड्रोम, क्लाइडफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ये आपको हो गए क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के उदाहरण, गुणसूत्रीय विकार क्रोमोजोमल ये डिसऑर्डर हो गया। और इस तरह से पहला चैप्टर हम लोग फिनिश किए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत हो कोई चीज़ लग रहा है कि छूट गया है या हम कोई समझाया आपको लगा कि नहीं अच्छा से समझ में आया है तो आप फिर से कमेंट लिख लीजिएगा, प्रयास करेंगे बता देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहला चैप्टर फिनिश कर लिए, उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए, हम रिवीजन करा रहे थे चैप्टर, तो खैर जो सर आए थे नए वाले सर पढ़ा दिए थे लेकिन हम रिवीजन करा रहे थे, चूँकि आप लोग बीच में अच्छा से पढ़े नहीं होइएगा इसीलिए अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, अब हम लोग अगले क्लास में बाबू जेनेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।